बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में उपचुनाव के मैदान में उतरी असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा के उपचुनाव में बिना अनुमति लिए नामांकन पर जुलूस निकालने के मामले में असादुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आदर्श आचार संहिता यानी MCC का उल्लंघन मानते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने FIR के आदेश दिए हैं। वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा ने बताया है कि अब्दुल सलाम द्वारा कल शुक्रवार को नामांकन जुलूस बिना अनुमति लिए निकाला गया है। नामांकन जुलूस की वीडियोग्राफी भी कराई गई है और उसके आधार पर प्राथमिकी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का यह पहला मामला है जिसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब्दुल सलाम सदर प्रखंड के तकिया गांव के रहने वाले हैं और चौराह पंचायत के पूर्व मुखिया के साथ वर्तमान में मदरसा इस्लामिया के सचिव भी हैं। गोपालगंज में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। कल यानी शनिवार से स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि इस सीट पर BSP से इंदिरा यादव यानी तेजस्वी यादव की मामी, RJD से मोहन प्रसाद गुप्ता और BJP से कुसुम देवी मैदान में है। NDA सरकार टूटने और महागठबंधन सरकार बनने के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज से BJP के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे सुभाष सिंह लंबे समय से बीमार थे। उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लगातार 4 बार से वो जीत रहे थे। BJP की ये परंपरागत सीट है।